Hello students, good morning. This is Pankaj Kumar, Assistant Professor of Commerce, DAV PG College, Sivan. This video is for class BCom first year subject Principles of Business Management, paper first. Today we will discuss about controlling, जैसा कि हमने पहले इसके बहुत सारे फंक्शन मैनेजमेंट के कर लिए, और जैसा कि हमें पता भी है कि मैनेजमेंट के पांच फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये पांच फंक्शंस हमें किसने दिए, हेनरी फ्योल ने जो पांच फंक्शंस ये बनाए थे जो हमने पढ़े, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इसमें से हम आज लास्ट जो मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सभी फंक्शंस के बारे में कर लिया बारी बारी से, जिसको मैनेजमेंट का प्रोसेस भी बोला जाता है। हमने सबसे पहले प्लानिंग की थी। प्लानिंग में क्या देखा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड, कुछ करने से पहले सोचना, ये हमने प्लानिंग में किया था, या प्लानिंग का मतलब है। उसके बाद दूसरा फंक्शन हमने किया था ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया जाता, ऑर्गेनाइजिंग क्रिएट द पोस्ट। हमने क्या किया था ऑर्गेनाइजिंग में, पोस्ट को क्रिएट किया था। या ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, पोस्ट को क्रिएट करना और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट वाइज बांटना, डिपार्टमेंटेशन करना, ये हमने ऑर्गेनाइजिंग में किया था। फिर स्टाफिंग, स्टाफिंग में क्या किया जाता है, जो हमने ऑर्गेनाइजिंग में जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार किया, जो पोस्ट तैयार की, उसको भरने का काम हमने स्टाफिंग में किया या स्टाफिंग में करते हैं। तो स्टाफिंग, जैसे जब हम HRM पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो उसमें स्टाफिंग, वो एक तरह से स्टाफिंग ही है। उसमें हम ये देखते हैं कि भाई किस तरीके से रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की जाती है, तो ये सारा स्टाफिंग का पार्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन को पूरा करता है। उसके बाद हमने डायरेक्शन फंक्शन किया। डायरेक्शन फंक्शन में हमने क्या देखा, जो डायरेक्टिंग फंक्शन है, डायरेक्टिंग फंक्शन, डायरेक्टिंग इन डायरेक्टिंग डायरेक्शन मूव्स इनटू एक्शन। इसमें क्या होता है कि जो हमने अब तक जो काम डायरेक्शन देकर जो काम किया, या हमने डायरेक्शन दी कि भाई प्लानिंग में हमने सोचा, फिर ऑर्गेनाइजिंग में पोस्ट क्रिएट की और डिपार्टमेंट बांटा, फिर स्टाफिंग में हमने क्या किया, उनको उन पोस्टों को भरा। डायरेक्टिंग में क्या होता है कि जो हमने डायरेक्शन दी अब सारी, वो किसमें आता है, अब एक्शन में मूव हो जाएगी, यानी कि काम करना शुरू हो जाएगा। इसमें हमने मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन पढ़ा, क्योंकि मैंने आप सभी को ये पहले भी बताया था कि डायरेक्शन के ही ये पार्ट हैं, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। इसमें क्या होता है कि लोगों को डायरेक्शन दी जाती है, डायरेक्ट किया जाता है कि किस तरीके से काम करना, और उसी तरीके से लोग काम करते हैं। तो ये हमने सभी डायरेक्शन फंक्शन में पढ़ लिया। क्या क्या इंक्लूड है डायरेक्शन फंक्शन में, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये सभी हमने पढ़ लिया। जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग इज द लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सबसे लास्ट फंक्शन तो है जो आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन भी है, क्योंकि विदाउट कंट्रोलिंग हम एक्चुअल रिजल्ट का पता लगा ही नहीं सकते, बिना कंट्रोलिंग के, कि काम ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो, किसी भी फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते हम कंट्रोलिंग से, तो हम ये कह सकते हैं कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या किया जाता है कि एक्चुअल रिजल्ट का पता लगाया जाता है कि काम अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हुआ या नहीं हुआ। किसी भी काम को जब हम करते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। फिक्स किया जाता है कि मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में ये स्टैंडर्ड फिक्स किया कि आज एक लेबर 10 यूनिट किसी चीज की प्रोड्यूस करेगा, 8 घंटा काम करे या 12 घंटा काम करे, वो टाइम के हिसाब से वो 10 यूनिट प्रोड्यूस करेगा, तो वो तो स्टैंडर्ड हो गया ऑर्गेनाइजेशन का। एक्चुअली में वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है, वो इसके साथ कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड के साथ, उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को,
और उसके बाद डेविएशन का पता लगाया जाता है कि भाई उसने काम कम किया या काम ज्यादा किया, कम किया तो क्यों किया, ज्यादा किया तो क्यों किया। ये डेविएशन पता लगाकर फिर हम कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, भाई करेक्टिव एक्शन लेते हैं। यानी कि अब देखो काम ज्यादा कर दिया फिर तो ठीक है, हालांकि करेक्टिव एक्शन उसमें भी लिया जाता है, ये देखा जाता है भाई स्टैंडर्ड तो नहीं कम फिक्स कर दिया, लेकिन काम कम किया तो क्यों किया, इसके कारण क्या थे, उसका कारण का पता लगाकर और फिर करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। तो कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है, कंट्रोलिंग में एक्चुअल रिजल्ट का पता ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे एक्चुअल रिजल्ट का पता लगता है, और उसके बाद क्या करते हैं हम कि जो एक्चुअल रिजल्ट या तो कम आएगा या ज्यादा आएगा या बराबर आएगा, तो इसका जो कम ज्यादा जो होता है डेविएशन उसमें फिर करेक्टिव एक्शन लिया जाता है कारणों का पता लगाकर, किसमें, कंट्रोलिंग में। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं भाई कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन बट मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन, क्योंकि अगर हमें किसी चीज के एक्चुअल रिजल्ट का पता नहीं लगेगा तो हम किसी भी काम को विदाउट कंट्रोलिंग तो किसी भी काम को नहीं कर सकते। मान लो अनलिमिटेड पढ़ाई करते जाओ, अगर हम पढ़ाई का ही एग्जांपल लें, अनलिमिटेड पढ़ाई करते जाओ और उसका रिजल्ट हम ना पता कर पाए, ये जो एग्जाम्स होते हैं ये रिजल्ट का पता लगाने के लिए तो होते हैं कि कितना हमें आया या कितना टीचर ने पढ़ाया और तुमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा, तभी तो एग्जाम होते हैं, इससे पता लगता है कि भाई स्टूडेंट्स को इतना आ गया है, इतना कुछ आता है। तो ये कंट्रोलिंग की ही एक प्रोसेस है, विदाउट कंट्रोलिंग हम किसी काम को नहीं कर सकते। तो कंट्रोलिंग क्या है, एक लास्ट फंक्शन बट मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है जिसमें हम रिजल्ट का पता लगाते हैं। देखो जो कंट्रोलिंग है, क्योंकि हमें यह पता भी कंट्रोलिंग तो मैनेजमेंट का एक लास्ट फंक्शन है, और मैनेजमेंट का जो पहला फंक्शन है प्लानिंग, उसके साथ कंट्रोलिंग को जोड़ा भी जाता है। कई बार ये कहा जाता है कि प्लानिंग आगे की ओर देखता है तो कंट्रोलिंग पीछे की ओर देखता है। ये तो बात ठीक है कि प्लानिंग आगे की ओर देखता है, कंट्रोलिंग पीछे की ओर देखता है। कैसे, जैसे हमने प्लानिंग में ये पढ़ा, प्लानिंग इज थिंकिंग बिफोर हैंड, कुछ करने से पहले सोचना, या प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में सोचने को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग। इसका मतलब क्या, प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं, आगे की तरफ देख रहा प्लानिंग, जबकि कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि रिजल्ट कैसा आया, पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, या नेगेटिव आया तो क्यों आया, फिर करेक्टिव एक्शन लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम कंट्रोलिंग तो पीछे की तरफ जा रहे हैं, हम पीछे जो हमने जो काम किया अपने परफॉर्मेंस को अप्रेजल कर रहे हैं, जबकि प्लानिंग क्या कर रहे हैं, हम पहले काम करने से पहले सोच रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि प्लानिंग आगे की ओर देखता है, कंट्रोलिंग पीछे की ओर देखता है। हम ये भी कह सकते हैं प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। क्या क्या मतलब हुआ, प्लानिंग मीनिंगलेस होता है विदाउट कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस। क्यों, क्योंकि प्लानिंग करते रहोगे और उसमें कंट्रोल नहीं हुआ तो आपकी प्लानिंग फेल हो जाएगी, बिल्कुल। और कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, और विदाउट प्लानिंग का हम कंट्रोल किसका करेंगे, कंट्रोल एकदम अंधा है विदाउट प्लानिंग के। तो ये भी इस तरीके से कंट्रोलिंग को प्लानिंग के साथ जोड़ा जाता है। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कंट्रोलिंग रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स क्लोजर टू द डिजायर रिजल्ट्स। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो जिसकी सहायता से हमें एक्चुअल रिजल्ट का पता लग जाता है स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके, कि स्टैंडर्ड को अचीव किया या नहीं किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, इसके कारणों का पता लगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये कंट्रोलिंग का मीनिंग था। एक डेफिनेशन भी हम कर लेते हैं, डेफिनेशन बहुत सारी है, आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में दिया भी हुआ है, लेकिन हम एक फिलिप कोटलर की डेफिनेशन कर लेते हैं। कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग steps to bringing actual results and desired results closer together. क्या मतलब हुआ, control एक ऐसी process है जिसकी सहायता से हम actual result का और desired result का दोनों का पता लगाया जाता है, पता लगा सकते हैं। ये एक process है। कैसे, सबसे पहले हम
इसकी इसके कंट्रोलिंग के 5 स्टेप्स हैं जिसकी सहायता से हम कंट्रोलिंग करते हैं और या एक्चुअल रिजल्ट का पता लगाते हैं। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सेट कर देंगे, उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस करेंगे और तीसरे में दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से फोर्थ नंबर पे डेविएशन आ जाएगा। हम फोर्थ नंबर पे क्या डेविएशन फाउंड करेंगे। डेविएशन अगर नेगेटिव है तो हमारा फिफ्थ स्टेप क्या हो जाएगा, करेक्टिव एक्शन। तो 5 स्टेप इसके हैं कंट्रोलिंग के, तो कंट्रोलिंग प्रोसेस से एक्चुअल रिजल्ट का पता लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिलिप कोटलर की एक डेफिनेशन कर लेंगे। डेफिनेशन हैनिंग की भी है, डेल हैनिंग की, तो वो आप सभी को मैंने इन द पीडीएफ मैंने आप सभी को भेज दिया था, आपने पढ़ा भी होगा स्टूडेंट्स। अब हम इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो करेंगे, नेचर करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स एक ही बात है सभी। तो सबसे पहला हम करते हैं, कंट्रोलिंग इज ए फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। कंट्रोलिंग क्या है, मैनेजमेंट का एक फंडामेंटल फंक्शन है। फंडामेंटल फंक्शन का मतलब क्या हुआ भाई, कहने का मतलब है कि कंट्रोलिंग को हर एक फंक्शन के साथ जोड़ा जाता है। मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सभी के साथ कंट्रोलिंग जुड़ा है। विदाउट कंट्रोलिंग कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए एक इसे फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट हम करेंगे, कंट्रोलिंग इज एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। किसी भी मैनेजर का एक एसेंशियल जरूरी फंक्शन है कंट्रोलिंग। विदाउट, देखो हमने एचआरएम में एक चैप्टर परफॉर्मेंस अप्रेजल का भी है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या हुआ कि भाई एक ये देखना कि एक एम्प्लॉई कितना कार्य कर रहा है या कितना वो कर चुका है, ये कंट्रोलिंग का ही तो एक पार्ट है। हर एक मैनेजर अपने सुपरवाइजर को रखता है, फोरमैन को रखता है, किस लिए, ताकि वो देखता रहे कि वर्कर कितने काम कर रहे हैं। ये कंट्रोलिंग का ही तो पार्ट है, हर एक जगह कंट्रोलिंग है, हर एक मैनेजर का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन, जरूरी फंक्शन कंट्रोलिंग है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम करेंगे, कंट्रोलिंग इज ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी। देखो कंट्रोलिंग एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, लगातार चलने वाली एक्टिविटी है। ऐसा नहीं कि हम, देखो मान लो हम किसी सड़क पर जा रहे हैं, सड़क पर अगर हम कंट्रोल करके ना चलें तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। और देखो सिर्फ चलने की ही बात नहीं, घर पे गए हमारी कंट्रोलिंग ना हुई, या कहने का मतलब यह है कि किसी तरीके से उल्टा सीधा काम कर दिया तो पेरेंट्स भी डांटते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की बात है, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा तो नहीं भी एक ही दिन काम चलता, काम तो लगातार चलेगा, तो लगातार चलेगा इसका मतलब लगातार कंट्रोलिंग चाहिए हमें। कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो लगातार परफॉर्म कर रहा है परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, यानी कि वर्कर कितना काम कर रहे हैं इसको देखने के लिए, क्या कर रहे हैं इसको देखने के लिए लगातार चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, कंट्रोलिंग इज बोथ द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। क्या है ये, कंट्रोलिंग आरंभ भी है मैनेजमेंट का और अंत भी है। अभी हमने पढ़ा था ना भी, कंट्रोलिंग को प्लानिंग के साथ जोड़ा जाता है। मैनेजमेंट का पहला स्टेप क्या है, पहला प्रोसेस क्या है, प्लानिंग। लेकिन प्लानिंग मीनिंगलेस होता विदाउट कंट्रोलिंग, ठीक है। और देखो अंत भी है, क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है, इससे हम क्या एक्चुअल रिजल्ट का पता लगाते हैं। तो इससे ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि क्या, कंट्रोलिंग इज द बोथ बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे, कंट्रोलिंग इज नॉट नेसेसरली लुकिंग बैक, इट इज लुकिंग फॉरवर्ड ऑल्सो। देखो कंट्रोलिंग सिर्फ पीछे की ओर ही नहीं देखता, क्या करता है, कंट्रोलिंग आगे की तरफ भी देखता है। जैसे हमने कंट्रोलिंग में क्या किया, सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट किया, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी, फिर दोनों को कंपेयर किया, फिर डेविएशन का पता लगाया, फिर करेक्टिव एक्शन लिया। करेक्टिव एक्शन लेने का मतलब ये हुआ कि आगे वो गलती ना हो, जो नेगेटिव डेविएशन आया था वो आगे ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंट्रोलिंग आगे की तरफ भी तो देख रहा है, तो इसलिए ये पॉइंट हम लिख सकते हैं, कंट्रोलिंग इज नॉट नेसेसरली लुकिंग बैक,
इट इज लुकिंग फॉरवर्ड ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट। तो ये तो देखो मीनिंग से ही पता लगता है, कंट्रोलिंग की सहायता से हम एक्चुअल रिजल्ट का पता लगाते हैं। रिजल्ट कैसा आया, पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, पॉजिटिव या नेगेटिव का क्या मतलब, भाई स्टैंडर्ड अचीव हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो पॉजिटिव डेविएशन है और नहीं हुआ तो नेगेटिव है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट। ठीक है, कंट्रोलिंग नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे एक्शन इज द एसेंस ऑफ कंट्रोलिंग। देखो कंट्रोलिंग के लिए क्या जरूरी है कि काम एक्शन में हो, जैसे डायरेक्शन में हम क्या करते हैं इनडायरेक्टिंग, डायरेक्शन मूव्स इनटू एक्शन। क्या होता है कि जितना भी हमने डायरेक्शन दिया था या जो जो हमने स्टाफिंग की पोस्ट को क्रिएट किया, अब उसमें एक्शन लेने का काम, एक्शन का मतलब काम चालू हो गया, तो इस एक्शन के कारण ही कंट्रोलिंग पॉसिबल है। काम नहीं होगा तो कंट्रोल किसका होगा, तो इसलिए हम ये पॉइंट लिख सकते हैं एक्शन इज द एसेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो स्टूडेंट्स ये 6-7 पॉइंट हमारे करैक्टरिस्टिक्स के थे, आप सभी इसको बड़े ध्यान से कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे कंट्रोलिंग को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, आप सभी इसका मीनिंग और ये जो हमने करैक्टरिस्टिक्स किए इसको बड़े ध्यान से कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।